Hello students, this is the second clip on business statistics subject. In the last clip we did how to calculate the arithmetic mean in the measures of central tendency. In this clip, this is the second clip. In this we are going to solve the practical aspect on median. Okay, so median pe practical aspect solve karne ja rahe hai. A median means middle value. Normally when the calculation of any data which are in the large way, means when the population is very large in size, in that we cannot use the arithmetic mean. Jaise ki humne dekha ki arithmetic mean mein kya hota hai ki we have to consider all the data, aur agar population jyada hai aur usme arithmetic mean calculate karne jayenge, it will take a time and also it is expensive. तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, मीडियन या मोड मेथड यूज़ करते हैं. तो मीडियन और मोड क्या होता है, पोजिशनल होता है. आपको सब डेटा पे ध्यान नहीं देना है. जैसे मीडियन में क्या होता है कि हमारे पास जो भी वेरिएबल्स या डेटा है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, और जो मिडल वैल्यू होगा उस मिडल वैल्यू को ही हम लोग क्या करते हैं, मीडियन. तो मीडियन इज़ नथिंग बट मिडल वैल्यू. तो यहाँ पे हम लोग जैसे कि डिस्कस किए थे, तीन टाइप के सम बनते हैं. When only x is there, when x and n both are given but x in discrete form, और third type का सब जो बनता है कि x and n both are given but x will be in interval form या continuous form. तो उसमें से first type है when only x is there, ठीक है. अब इस सम को आपको सॉल्व करना है, तो किस तरह से आप इस सम को सॉल्व करेंगे. तो मीडियन में आपको सबसे पहला क्या करना है, जो भी सम दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है, उसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, छोटे से बड़े की तरफ जाना है. अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या लिखेंगे, बाय अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर वी गेट, बराबर असेंडिंग ऑर्डर. अब यहाँ पे देखो 20 है, 23 है, 19 है, 20 है, 15 है पेजी. तो सबसे छोटा है 15, 15 के बाद 19 है, 19 के बाद 20, फिर अगेन 20 है, और उसके बाद में 23 है. तो असेंडिंग ऑर्डर ने हमने लिख दिया. अब इसे काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5. तो 5 क्या है, आपका ऑड नंबर है, दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 2. तो हम लोग क्या बोलते हैं, ऑड नंबर. तो यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स इज ऑड, देयरफॉर मिडल वैल्यू इक्वल टू द मीडियन. जो मिडल होगा, जैसे यहाँ पे देखो ए गया, ए गया, ए गया, ए गया, तो आपका क्या हो गया, मिडल वैल्यू हो गया. तो इस मिडल वैल्यू को ही हम लोग क्या बोलेंगे, मीडियन. तो देयरफॉर इसमें आंसर हो गया मीडियन इक्वल टू 20 केजी. यहाँ पे केजी है यूनिट, तो केजी में आंसर आएगा. तो ठीक है, तो अगर आपका ऑड नंबर है तो आपको इमीजिएटली मीडियन मिल जाएगा, मिडल वैल्यू. अब इसी का एक और दूसरा टाइप करते हैं. दूसरा क्वेश्चन है जिसके अंदर ये डेटा दिया हुआ है, 501, 202, 553, 400, 300, 350, 450, 250, ऑल आर इन रुपीज, दैट इज पेजेस आर गिवेन. तो अगेन आपको क्या करना है, बाय अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर वी गेट. अब छोटे से बड़े की तरफ जाना है, और इसमें सबसे छोटा वैल्यू है 202, बराबर. उसके बाद में है 250 के ऊपर अगर हम जाएंगे तो हमारे पास 300 है, 300 के ऊपर जाएंगे तो 350 है, 350 के ऊपर जाएंगे तो हमारे पास 400 है, 400 के ऊपर गए तो 450 है,
और 450 के ऊपर गए तो 501 है, और 501 के ऊपर गए तो 553 है, ठीक है। इस तरह से आपने क्या किया, डेटा को अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, और इसे काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। तो 8 इज डिविजिबल बाय 2 है, दैट इज द इवन नंबर। लिखेंगे नंबर ऑफ आइटम्स इज इवन, ठीक है, ये इवन है। अब यहां पर आपका जो मीडियन होगा, मीडियन दो मिडल वैल्यू आएगा, जैसे एग्जांपल के लिए कट किया, एक कट किया, एक कट किया, एक कट किया, एक कट किया, एट कट किया। अब ये आपके दो मिडल वैल्यू है, तो मीडियन विल बी द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू मिडल वैल्यू, इन दोनों का एवरेज 350 प्लस 400 डिवाइड बाय 2, ये हो गया आपका 750 डिवाइड बाय 2। तो 750 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपका आंसर आता है 375, और ये रुपीस में है तो आंसर हो जाएगा रुपीस में, तो ठीक है, तो 375 आ गया। ते मीडियन में हम लोग ने फर्स्ट टाइप का सम किया व्हेन द एक्स इज देयर। तो क्या करते हैं, वी हैव टू अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, देयर आफ्टर वी सी वेदर देयर इज ए इवन नंबर और ऑड नंबर। इफ द ऑड नंबर इज देयर तो देयर विल बी द वन मीडियन या मिडल वैल्यू, बट व्हेन देयर इज ए इवन नंबर इन दैट केस टू मिडल वैल्यू ऑफ दैट वी हैव टू कैलकुलेट द मीन, दैट मीन विल बी द मीडियन, ठीक है। अब मीडियन में सेकेंड टाइप करते हैं व्हेन एक्स एंड एफ बोथ आर गिवन, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड टाइप का सम है कि व्हेन एक्स एंड एफ बोथ आर गिवन, एक्स इज इन डिस्क्रीट फॉर्म, ये आपका एक्स है और ये फ्रीक्वेंसी है, मतलब फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। अब इसके अंदर आपको मीडियन निकालना है, तो सबसे पहला आपका स्टेप होगा कैलकुलेट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइम, मतलब क्या करना है आपको, इसको प्लस करना है 5 + 10 = 15 + 12 = 27 + 7 = 34 + 2 = 36, ठीक है। ये आप ऐसा दिमाग में रख सकते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सी एफ निकालना है, स्टेप नंबर वन डाल दिया, तो एन भी कितना हो जाएगा, फाइव सेवन सेवन फोर्टीन, फोर्टीन और ए हो गया आपका 2 16, वन कैरी किया पे 36, ये 36 यहाँ पर आ गया। अब आपको क्या करना है, पोजीशन ऑफ मीडियन निकालना है, पोजीशन ऑफ मीडियन, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ मीडियन निकालने के लिए आप यहाँ देखो, अगर ये इवेन है, जैसे अभी 36 का इवेन है तो आपको n लिखना है, अगर ऑड होगा तो n प्लस 1 लिखना है, और मीडियन इसे डिवाइड बाय क्या करेंगे, 2 आइटम्स, ये हो गया आपका 36 डिवाइड बाय 2 आइटम्स, ये हो गया 18 आइटम्स, ठीक है, 18 आ गया। तो आपने क्या किया, सेकंड स्टेप नंबर 2 पोजीशन निकाला। अब 18 को यहां पर देखो कहां पर आता है, तो 15 और 27 के बीच में क्या आ गया, 18 आ गया, ठीक है। तो अभी जो 18 आया है, इसमें से जो हाईएस्ट सीएफ है उसके हिसाब से आपको क्या करना है, लाइज करना है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो देयरफॉर मीडियन इक्वल टू 30 मार्क्स, बराबर।
इसका मतलब थर्ड स्टेप में आपका आंसर आएगा। फर्स्ट स्टेप आपने सी एफ लेसन टाइप निकाला, सेकंड स्टेप में पोजीशन ऑफ मीडियन निकाला और थर्ड स्टेप में लाइक्स करके आपका आंसर आ गया मीडियन। ठीक है, तो ये आपका सेकंड टाइप का सम हुआ। अब थोड़ी देर के लिए हमारे पास एक और टॉपिक है। जैसा मीडियन क्या होता है कि पूरे सीरीज को दो सेक्शन में डिवाइड करता है, उसी तरह से पूरे सीरीज को हम लोग चार सेक्शन में डिवाइड करेंगे तो उसको बोलते हैं क्वार्टाइल्स, 10 सेक्शन में डिवाइड करेंगे तो उसे बोलते हैं हम लोग डिसाइल्स, और 100 सेक्शन में डिवाइड करेंगे तो उसे बोलते हैं हम लोग परसेंटाइल्स। तो अगर क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स या परसेंटाइल्स आपको निकालना है तो मीडियन का ही मेथड हमको वहाँ पर हेल्प करेगा। मीडियन के मेथड से हम लोग क्वार्टाइल्स, डिसाइल या परसेंटाइल निकाल सकते हैं। जैसा कि क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर मुझे अगर कम से कम जो क्वार्टाइल्स या डिसाइल्स या परसेंटाइल निकालना है, ध्यान दो आप लोग, तो थोड़ा काम हमारा हल्का या जल्दी हो जाएगा। देखो, क्वार्टाइल्स मतलब 4 सेक्शन, डिसाइल्स 10 सेक्शन, परसेंटाइल ये क्या हो गया 100 सेक्शन। अब इसी सम के अंदर मुझे समझो क्वार्टाइल्स निकालना है तो कैसे निकालूंगा, या डिसाइल या परसेंटाइल निकालना है तो कैसे निकालूंगा। तो आपको सबसे पहला क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि फर्स्ट कैलकुलेट द सी एफ लेसन टाइप, तो मैंने निकाल लिया जैसा करते वैसे ही। सेकेंड स्टेप में पोजिशन ऑफ मीडियन निकाला, तो हम लोग क्या करेंगे, पोजिशन ऑफ क्वार्टाइल्स निकालेंगे। अब क्वार्टाइल्स के अंदर Q1 होता है, Q2 होता है और Q3 होता है, देयर आर 3 क्वार्टाइल्स, बराबर। जैसे एग्जांपल के लिए आपने 1, 2, 3 लाइन ड्रॉ किया। जैसे मीडियन में कैसा होता है कि हमको एक लाइन ड्रॉ करके इक्वली डिवाइड करना होता है, उसी तरह से क्वार्टाइल्स में हमको 4 सेक्शन चाहिए, 1, 2, 3, 4, तो 3 लाइन ड्रॉ किया, तो क्वार्टाइल्स 1, क्वार्टाइल्स 2, क्वार्टाइल्स 3, 3 क्वार्टाइल्स होते हैं, बराबर Q1, Q2, Q3। तो जब भी क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करने बोलते हैं तो हमको Q1, Q2 या Q3 निकालना होता है। तो पैसा तो लोग मेंशन करते हैं कि ओनली कैलकुलेट द Q3 या Q2 या Q1। आपको याद क्या करना है कि मीडियन का जो मेथड मैंने यहाँ बताया है वही मेथड आपको यहाँ पर हेल्प करेगा। तो आप ध्यान दें तो आपका काम जल्दी हो जाएगा कि आप क्वार्टाइल्स कैसा कर सकते हैं या डिसाइल या परसेंटाइल। जैसे भी मैंने बताया कि इसी सम के अंदर अगर मुझे क्वार्टाइल्स निकालना है तो मुझे Q1, Q2 और Q3 निकालना है, समझो। तो पहला स्टेप क्या करना है आपको, सी एफ लेसन टाइप निकालना है जो मैंने निकाल दिया। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, पोजीशन ऑफ Q1 निकालना है। तो देखो मैं बताता हूँ किस तरह से करना है आपको। क्वार्टाइल्स Q1, Q2, Q3, तो पोजीशन ऑफ Q1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगेन 36 क्या है, इवेन नंबर है, इसलिए n आएगा, n प्लस 1 नहीं आएगा, अगर ऑड होगा तो n प्लस 1 आएगा, और डिवाइड बाय 4 करना है क्योंकि ये क्वार्टाइल्स है। 36 डिवाइड बाय 4, तो आंसर आ गया 9th, बराबर। अब ये 9 कहां पे आपका 5 और 15 के बीच में है, 9। अब इसमें से जो हाईएस्ट सीएफ है उसको लाइस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20। देयरफॉर Q1 क्या हो गया, 20 मार्क्स, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। क्वार्टाइल्स 1, अब इसके अंदर समझो क्वार्टाइल्स 2 करना है,
quartiles too. तो first step हो गया, second step क्या है, position of Q2. तो n divided by 4, अब ये quartiles 2 है, इसलिए यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा. अगर आप ध्यान दो तो अगर इसको अगर थोड़ी देर के लिए कट करो तो n upon 2 हो गया, मतलब quartiles 2 is nothing but median. तो कल को आपने median निकाला तो that is a quartiles 2 ही होता है. तो 2 into 36 divided by 4 items. तो कितना आ गया 18th. अब 18th को लाइस करो जो ऑलरेडी हमने किया हुआ है, तो आंसर कितना आया 30. ठीक है, एक quartiles 2 हुआ. quartiles 3 निकालना है, पोजीशन ऑफ Q3. n अपॉन 4 और यहाँ पे 3 है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 आइटम्स. तो 3 इंटू n 36 डिवाइड बाय 4 हो गया 27 आइटम्स. बराबर 27. अब 27 जो यहाँ पड़ी है बराबर 27. तो 27 जो यहाँ पर है आपका बराबर, तो आपका 27 इन दोनों के बीच में है, दैट इज 27 एग्जैक्ट है. तो आपको हाईएस्ट वाले को ही लाइस करना है, तो आपका आंसर कितना आ गया 40. यहाँ पे आंसर लिख देंगे 40 मार्क्स. 40 मार्क्स हो गए. तो होगा quartiles, मतलब quartiles के अंदर आपको डिवाइड बाय 4 करना है. अगर सर इसके अंदर डिसाइल निकालना है बराबर, तो डिसाइल जो होता है D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 और D9 तक होता है. और डिसाइल करते समय आपको डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा 10. ठीक है, अब D1 रहेगा तो यहाँ पे 1 हुआ जो लिखने की जरूरत नहीं, D2 हुआ तो 2 लिख देंगे, D3 हुआ तो 3 लिख देंगे, और D4, 5, 9 है तो 9 लिख देंगे. और बाकी सब वैसे ही करना होता है, जो आंसर आएगा उसको लाइस कर लेंगे और करस्पॉन्डिंग करके आंसर आ जाएगा. जैसा एक करता हूँ समझो, पोजीशन ऑफ D5 करता हूँ मैं, तो n डिवाइड बाय 10, ये 5 इसलिए 5 लिख दिया यहाँ पे, तो 5 into 36 डिवाइड बाय 10 ये हो गया तुम्हारा 18th आइटम्स. 18 को लाइस किया, हाईएस्ट के साथ करस्पॉन्डिंग किया, तो आपका D5 कितना आ गया 18, तो ये आ गया 30 मार्क्स. ठीक है, डिसाइड हो गया. अभी परसेंटाइल है समझो, तो परसेंटाइल में P1, P2, P3 करते करते P99 तक है. तो पोजीशन ऑफ P10 निकाल रहा हूँ समझो, तो n अपॉन 100, 100 से डिवाइड करेंगे और 10 इसे यहाँ पे 10 लिख देंगे, तो 10 into 36 डिवाइड बाय 100 बराबर, ये आपका आंसर आ गया 3.6. नहीं, 36 आ गया.
3.6. अब यहाँ पर 3.6 यहाँ पर होगा, 5 के ऊपर होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये 10, तो P10 आ गया 10 मार्क्स। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पे परसेंटाइल में डिवाइड बाय 100 करना है और मल्टीप्लाई करते समय आप देखें कौन सा आपको P1 चाहिए कि P5 चाहिए कि P75 चाहिए, तो उससे आपको मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे P75 चाहिए तो यहाँ पे 75 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लोगों ने मीडियन निकालना सीखा, मीडियन का ही हेल्प लेते हुए हमने क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स और डिसाइल निकालना सीखा। ये टाइप 2 किया मीडियन में विद द एक्स एंड एफ बोथ आर गिवन। अब हम लोग थर्ड टाइप करते हैं कि x एंड f बोथ आर गिवन बट जो x होगा वो कंटिन्यूस फॉर्म में होगा, वो हम लोग देखते हैं किस प्रकार से। ठीक है, ये तो टाइप आपका थर्ड कर रहे हैं व्हेन x एंड f बोथ आर गिवन कंटिन्यूस फॉर्म में, x जो दिया हुआ है दैट इज इन कंटिन्यूस फॉर्म और एक फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो हमको मीडियन निकालना है। बाद में हम लोग क्वार्टाइल्स, डिसाइल और परसेंटाइल वैसे में निकाल लेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप, देखो 7 प्लस 10 17 प्लस 15 32 प्लस 4 36 प्लस 3 कितना हो गया 39। ठीक है, और तो n इक्वल टू भी कितना हो जाएगा 39। तो आपका ये स्टेप नंबर 1 हुआ मीडियन का, फर्स्ट सीएफ लेस देन टाइप। सेकंड स्टेप क्या करेंगे, पोजीशन ऑफ मीडियन n डिवाइड बाय 2 करना है। अब देखो यहां पर जो है ये ऑड नंबर है 39, दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, तो आपको n प्लस 1 लेना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली इवन आपको बनाना है। 39 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 फाइव टर्म्स कितना हो जाएगा 40 डिवाइड बाय 2 आइटम्स, आंसर आ गया 20th आइटम्स। ये स्टेप नंबर 2 हुआ। अब स्टेप नंबर 3 क्या करना है आपको, पहले इसको लाइस कर लेंगे कि 20 है कहाँ, ए देखो यहाँ पर 20 आया, तो हाईएस्ट सीएफ को करस्पॉन्डिंग करेंगे, ये जो आंसर आएगा इसे बोलते हैं हम लोग मीडियन क्लास। थ्री हंड्रेड से 400 आया, ये स्टेप नंबर 3 हो गया। अब आपको स्टेप नंबर 4 जो करना है दैट इज फॉर्मूला, मीडियन का फॉर्मूला लेंगे। फॉर्मूला देखो, मीडियन इक्वल टू L1 प्लस, पोजीशन के लिए जो फॉर्मूला लिखा होगा वो फॉर्मूला यहां लिख देने का, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू I। अब ये है क्या, L1 जो होता है तो जो मीडियन क्लास है उसमें से जो लोअर बाउंड्री होगा छोटा वाला That is 300. N plus 1 divided मतलब पोजीशन, जो आपने पोजीशन निकाला वो कितना आया था 20। यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब आपने लाइस किया तो जो छोटा वाला था वो होगा, और फ्रीक्वेंसी मतलब मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी ये वाला, बराबर। ठीक है, और आई का मतलब होता है कि ये जो क्लास इंटरवल का डिफरेंस है, तो देखो यहाँ पे 100 से 200, 200 से 300, तो कितने का डिफरेंस है 100 का डिफरेंस है, तो ये आ जाएगा क्लास इंटरवल। ठीक है, तो मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, L1 है 300, पोजीशन कितना आया था 20, सी एफ कितना है 17,
और f कितना है 15 और डिफरेंस कितना है 100. तो 300 प्लस 3 अपॉन 15 इनटू 100. तो 300 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई किया तो 300 अपॉन 15 तो हो गया आपका 300 प्लस 20 बराबर. तो आंसर आ गया 320 रुपीस, दैट इज इन फॉर्म ऑफ रुपीस है, तो 320 आ गया. तो देखा आपने किस तरह से मीडियन निकाला थर्ड टाइप के क्वेश्चन में. चलो इसी में हम लोग क्या करते हैं, क्वार्टाइल्स Q3 निकाल लेते हैं, डिसाइल्स समझो D6 निकाल लेते हैं, क्वार्टाइल्स 3, डिसाइल्स 6 और परसेंटाइल 75 निकाल लेते हैं. ठीक है, इस हिसाब में क्वार्टाइल्स 3. तो फर्स्ट स्टेप CF लेसन टाइप हो गया, सेकंड स्टेप है क्वार्टाइल्स 3. तो n प्लस 1 क्यों लिखना है, क्योंकि ये ऑड नंबर है और डिवाइड बाय 4 होगा और 3 ऐसे मल्टीप्लाई बाय आपको 3 करना है. ठीक है, इस तरह से. तो 3 इंटू 39 प्लस 1 डिवाइड बाय 4th आइटम्स, तो कितना हो गया 39 और 1 40, 40 इंटू 3 120 डिवाइड बाय 4th आइटम्स, ये हो गया 30th आइटम्स. अब 30th कहाँ पे आएगा, 30 देखो इनके बीच में आ रहा है, रियलाइज करो तो आपका आंसर आ गया क्वार्टाइल 3, क्वार्टाइल 3 क्लास 300 to 400. तो फॉर्मूला Q3 L1 प्लस माइनस CF अपॉन F इंटू I. फॉर्मूला वही है, बस आप यहाँ पर देखते हो तो जो पोजीशन में फॉर्मूला लिखा था फॉर्मूला आपको लिख देना है. अब सब्स्टिट्यूट करो, L1 कितना होगा 300, पोजीशन कितना आया 30, CF कितना है 17, F कितना है 15 इंटू 100. 30 माइनस 17 डिवाइड बाय 15 इंटू 100 जो हो गया 86.66. तो आंसर आ गया 386.66, अप्रोक्सीमेटली इसे बोलेंगे 387 रुपीस. तो आपका हो गया क्वार्टाइल्स 3. उसी तरह से अगर मुझे क्वार्टाइल्स के बाद डिसाइल 6 निकालना है, तो पोजीशन ऑफ D6 10 प्लस 1 डिवाइड बाय 10 है डिसाइल है और 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई होगा. थर्टी नाइन प्लस 1 डिवाइड बाय 10
then 40 into 6 divided by 10 कितना आ गया 24th आइटम. अब 24 को लाइज करेंगे तो इधर ही आता है 24 करस्पॉन्डिंग करो प्यार है 300 से 400 तो D6 क्लास हो गया 300 से 400. फॉर्मूला लिखेंगे L1 प्लस 6N प्लस 1 डिवाइड बाय 10 माइनस CF अपॉन F इंटू I. ठीक है, L1 कितना हुआ यहाँ पे 300 हो गया, पोजीशन कितना आया था 24, CF कितना आया 17, F कितना आया 15 इंटू 100 का डिफरेंस. तो 46.66 तो 346.66 तो अप्रॉक्सीमेटली हो गया 347 रुपीस. ठीक है, ये आपका आ गया D6 quartile 6. अब पोजीशन ऑफ परसेंटाइल 75 10 प्लस 1 डिवाइड बाय 100. अब परसेंटाइल है इसलिए इनटू 75 करेंगे तो 75 39 प्लस 1 अपॉन 100 ये हो गया 40 इंटू 75 अपॉन 100 क्या आ गया 30. अब 30 17 और 32 के बीच में है. थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, बार बार आपका क्लास इंटरवल वही आ रहा है तो हम लोग इसे समझो 80 लेके करो तो चेंज होता है 85 34. ठीक है 85 ले लेता हूँ. ठीक है तो थोड़ा सा चेंज होगा. तो P85 निकालते हैं. ठीक है तो ये अपॉन 100 क्योंकि बार बार क्लास वही आ रहा था तो 85 इंटू 39 प्लस 1 अपॉन 100 हो गया 40 इंटू 85 अपॉन 100 तो कितना आ गया 34th आइटम्स. अब देखो ये 34 इसके बीच में 32 और 36 तो आपका 85 क्लास हो गया 400 से 500. ठीक है अब फॉर्मूला L1 प्लस अपॉन 100 माइनस CF अपॉन F इंटू I. L1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 400, पोजीशन कितना है आपका 34, CF मतलब A 32, F जो रास्ते में मिला 4, 100 का डिफरेंस है, 100 का डिफरेंस तो 400 प्लस 50 तो आंसर आ गया 450 रुपीस. ये परसेंटाइल 85 आ गया. तो देखा एक बार वापस से देख लो, इसमें L1 मतलब जो क्लास आता है उसका लोअर बाउंड्री और ये जो है दिस इज द पोजीशन जो आया 34. CF मतलब जब हम लोग लाइज करते हैं तो इसमें जो लोवेस्ट होता है छोटा वाला वो लेते हैं. F मतलब जब हम लोग करस्पॉन्डिंग करते समय रास्ते मिला हमको F
वो लेते और 100 कहाँ से आया, इसका जो डिफरेंस था डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल वो लेते हैं। तो ठीक है, तो इस क्लिप में हमने देखा हाउ टू कैलकुलेट द मीडियन एंड विद द हेल्प ऑफ मीडियन आल्सो वी कैन कैलकुलेट द क्वार्टाइल्स डिसाइल्स परसेंटाइल्स। मीडियन लेते समय डिवाइड बाय 2 होगा पोजीशन कैलकुलेट करते समय, क्वार्टाइल्स में 4, डिसाइल्स में 10 और परसेंटाइल्स में 100 होगा। तो याद रखेंगे अगर इवन नंबर होगा तो एन ही होता है, ऑड होगा तो एन प्लस 1 हो जाता है। तो ठीक है, तो आपने इसके अंदर देखा हाउ टू कैलकुलेट द मीडियन क्वार्टाइल्स डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लिप, हैव अ नाइस डे फ्रॉम द राकेश सर।